अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुल मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेक्चर टाइम। फ्रेंड्स, आज की सबसे हॉट न्यूज़ और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड मोस्ट कंसर्निंग न्यूज़ वो ये है कि यूट्यूब को बंद किया जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान में यूट्यूब को बंद किया जा रहा है। अब यकीनन ये बात नए यूट्यूबर्स के लिए या तमाम यूट्यूबर्स के लिए, सारे क्रिएटर्स के लिए बहुत तश्वीशनाक है और उनके लिए सबसे हौसला शिकन बात है। लेकिन हम देखते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम मचा हुआ है और टॉप ट्रेंड यूट्यूब पे ट्विटर पे चल रहे हैं और बाकी पूरा सोशल मीडिया से भरा हुआ है कि यूट्यूब को बंद किया जा रहा है। सो अभी इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है और असल में असल प्रॉब्लम क्या है, असल खबर क्या है, असल मसला क्या है। सो मैं आपको जिस चैनल से, जिस लिंक से ये बता रहा हूँ वो है बीबीसी उर्दू। बीबीसी उर्दू का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं उसको, उस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं कि असल में असल खबर है क्या और फैलाया क्या जा रहा है। राइट, तो अब हम बढ़ते हैं असल खबर क्या है। खबर कुछ यूँ है, इसका टाइटल ये है, सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब पर पाबंदी का इंदिया। अब आगे चलकर बात तफसील में क्या बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिरका वाराना तशद्दुद के एक मुकदमे की समाअत के दौरान सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिले एतराज मवाद का नोटिस लेते हुए पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया भी दिया है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने बुध के रोज फिरका वाराना तशद्दुद के मुकदमे में मुल्जिम शौकत अली की जमानत की दरख्वास्त की समाअत की। नामानिगार शहजाद मलिक के मुताबिक समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील की तरफ से दलाइल के दौरान जब सोशल मीडिया पर फिरका वाराना तशद्दुद को मुबैना तौर पर फरोग देने का जिक्र हुआ तो बेंच में मौजूद जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत की कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है और वो तहजीब के दायरे में रहते हुए इन फैसलों पर तनकीद भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जजेस को भी अवाम के टैक्स से ही तनख्वाह मिलती है। उन्होंने कहा कि अदालत की आज़ादी को इजहार राय से कोई मसला भी नहीं है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अब ये नई रवायत पड़ गई है कि ना सिर्फ सोशल मीडिया पर अदालती फैसलों को बेजा तनकीद का निशाना बनाया जाता है बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जजेस के खानदानों को भी नहीं बख्शा जाता। उन्होंने कहा कि कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है और अदालती फैसलों की आड़ में जजेस को भी शर्मिंदा किया जाता है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि सोशल मीडिया पर फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि अदालत तहमल का मुजाहरा कर रही है, अदालत तहमल का मुजाहरा कर रही है लेकिन आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। बैंक के सरबराह जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क दिए कि क्या वफाकी तहकीकती इदारे यानी FIA और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है। उन्होंने PTA के हुकाम से इस्तफसार किया कि क्या यूट्यूब और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई अमली इकदाम भी किए गए हैं। तो PTA के अहलकार ने अदालत को भी बताया कि उनका इदारा ऐसे किसी भी मवाद की निशानदही तो जरूर कर सकता है लेकिन इसके पास इख्तियारात ना होने के बराबर हैं। बैंक के सरबराह ने रिमार्क दिए कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है और कई ममालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। उन्होंने कहा कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं फिर देखें क्या कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जिमन में वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये थी असल न्यूज़, असल खबर के सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की बात थी। बाकी अभी तक यूट्यूब की बंदिश का कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, इसलिए तमाम यूट्यूबर्स बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी घबराहट के अपने कंटेंट अपलोड करते रहें जब तक कोई दूसरा फैसला नहीं आ जाता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।